जब जिंदगी में कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं चल रहा हो तो मोटिवेशन या प्रेरणा कहाँ से लेकर आए? ये एक और ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है कि आपको काम करने की प्रेरणा कहीं और से मिलनी चाहिए। अगर आपका काम उतना सार्थक है तो आपको किसी और चीज से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं है। आप जो कर रहे हैं अगर वो जीवन के लिए वाकई सार्थक है तो आपको वो करने के लिए अलग से प्रेरणा क्यों चाहिए? अगर आप वाकई समझें और अनुभव करें कि आप जो कर रहे हैं वो वाकई आसपास और हर जीव के लिए जरूरी है तो आपको प्रेरणा की जरूरत नहीं है, जीवन बस चलता रहेगा। Does your heart beat need a motivation to keep it going? देखिए, क्या आपके दिल को लगातार धड़कने के लिए प्रेरणा की जरूरत है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कोई भी जीवन प्रक्रिया प्रेरणा नहीं मांगती है ना? मानसून आ रहा है प्रेरणा से नहीं, ये हर साल आता है क्योंकि प्राकृतिक प्रक्रिया चल रही है। यूं ही आप में और मुझ में जीवन धड़क रहा है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपकी बुनियादी जीवन प्रक्रिया के तालमेल में है, ये लाखों तरीकों से व्यक्त हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ आध्यात्मिक शिक्षा हो, ये चीज लाखों तरह से व्यक्त हो सकती है कि आप जो कर रहे हैं वो आपकी बुनियादी जीवन प्रक्रिया के तालमेल में है। तब आपको प्रेरणा के लिए कुछ नहीं चाहिए होगा, बस जीवन के एक टुकड़े की तरह सब कुछ हो जाएगा। आप क्या कुछ कर पाते हैं ये बस इस पर निर्भर है कि आपने खुद को अपग्रेड करने में कितना समय लगाया है। अभी दुनिया के साथ समस्या ये है कि लोग हमेशा अपनी गतिविधि का स्तर ऊंचा करने में लगे रहते हैं। अगर आप खुद को अपग्रेड किए बिना अपनी गतिविधि को अपग्रेड करेंगे तो आप आज नहीं तो कल टूट जाएंगे। ये ऐसा है जैसे आप फॉर्मूला 1 ट्रैक पर चले गए क्योंकि आप फास्ट ट्रैक होना चाहते थे और आप अपनी मारुति 800 ले गए। मान लीजिए अगर आप सही स्पीड पर पहुंच भी गए तो चारों पहिए चार अलग अलग दिशाओं में चले जाएंगे, कार टेक नहीं पाएगी। अगर आप वैसी स्पीड और वैसे ट्रैक पर रहना चाहते हैं तो आपको मशीन को तैयार करना होगा, आपको अपग्रेड करना जरूरी है। अगर आप खुद को अपग्रेड करते हैं तो गतिविधि होती रहेगी। मेरे आसपास कई लोग कई बार सोचते हैं मैं एक सुपर ह्यूमन हूं क्योंकि मेरी गतिविधि ऐसी है। बात सुपर ह्यूमन होने की नहीं है। अगर आप ह्यूमन होने की संभावना को खोजें, अगर आप ह्यूमन होने की संभावना की विशालता को खोज निकालें तो आप पाएंगे कि आपको सुपर ह्यूमन होने की जरूरत ही नहीं है। ह्यूमन होना अपने आप में सुपर है, इसलिए आपको किसी बाहरी प्रभाव या प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन की प्रक्रिया अपने आप ये कर देगी।